house is going into lockdown. Don't fucking move. Go on. मूवी की शुरुआत में हम एडेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ऑफिस के लिए तैयार होकर अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें उसकी बहन सारा के कई सारे मिस्ड कॉल और वॉइस मैसेज आए हुए थे और वो एडेल से कॉल बैक करने को कह रही थी। लेकिन एडेल को ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती है। फिर दूसरी तरफ हम एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचर्ड को देखते हैं जो कुछ स्टूडेंट को डेमन बेफोमेट के बारे में बता रहे थे कि पहले डेमन बेफोमेट का मारने वाले बहुत लोग कॉमन हुआ करते थे, लेकिन जब चर्च की पावर इन्फ्लुएंस मारने लगी तब इंस्टीट्यूशन ने उन लोगों को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर कर दिया और तब बेफोमेट का स्टेचू भी गायब हो गया, जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। अब वो अपने एक स्टूडेंट मिशेल के साथ में अपने केबिन में होता है, तभी उसका असिस्टेंट काइल वहाँ पर आकर उसे सारा के बारे में कुछ बताता है। अब काम के दौरान एडेल को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे बताती है कि सारा ने खुद को शूट करके अपनी जान ले ली है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि सारा उससे कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन एडेल ने उसका कॉल नहीं उठाया और ना ही उसे कॉल बैक किया। फिर रात में एरियल अपने बॉयफ्रेंड पॉल को लेकर सारा के घर पर आ जाती है, जिससे वो पता लगा सके कि आखिर मरने से पहले सारा एरियल से क्या कहना चाहती थी। फिर अगले सीन में हम एरियल और पॉल को सारा के घर के अंदर देखते हैं। जब पॉल घर की लाइट ऑन करता है तो देखता है कि सारा ने पूरे घर में हिल हाउस की पेपर कटिंग लगाई हुई है। एरियल पॉल को सारा के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि वो अजीब अजीब बातें करती थी जिस पर मुझे यकीन नहीं था, तो इसलिए मैंने सारा से बातें करना बंद कर दी थी। दरअसल 8 साल पहले हिल हाउस यानी कि वेनेकट साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में एक पार्टी रखी गई थी जो कि पहले अबैंडन हुआ करता था, लेकिन उस समय इस इंस्टीट्यूट को किसी ने खरीद कर प्राइवेट स्टेंट में बदल दिया और पार्टी में हुए कत्लों में सिर्फ सारा ही एक ऐसी इंसान थी जो कि वहाँ से जिंदा बचकर निकली थी। इसके बाद में इस इंस्टीट्यूट को दोबारा बंद कर दिया गया। फिर 1930 में हिल हाउस को एक साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया जिसे डॉक्टर वेनेकट चलाया करते थे। सारा का ऐसा मानना था कि वो जगह हॉन्टेड है जहाँ पर असाइलम के लोगों के घोस्ट रहा करते हैं जिन्होंने पार्टी वाली रात सभी गेस्ट को मारा था। एडिल बातें कर रही होती है कि तभी उसे सारा बैठी हुई दिखाई देती है और उसे गोली आकर लगती है। फिर वो एडिल के पास आकर कहती है कि तुम्हें उनकी मदद करना होगी और ये कहकर वो गायब हो जाती है, जिससे सारा बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है और पॉल के पूछने पर उसे कुछ नहीं बताती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड आ जाते हैं और उनसे एडिल पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब रिचर्ड उसे बताता है कि 2 हफ्तों पहले तुम्हारी बहन ने मुझे कॉन्टेक्ट करके वेनेकट की डायरी के बारे में बताया था, जिसके अकॉर्डिंग बेफोमेट की स्टैचू यहीं पर लॉस एंजल्स में उस हिल हाउस में रखी हुई है जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। सारा मेरे साथ हिल हाउस में जाकर उस बेफोमेट स्टैचू को ढूंढना चाहती थी। एरियल को रिचर्ड की बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कहती है कि सारा हिल हाउस से इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो कभी भी वापस उस घर में नहीं जाना चाहती थी। रिचर्ड बताता है कि सारा को लगता था कि कोई उस वेनेकट की डायरी के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है जिसमें बेफोमेट की स्टैचू के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि उस स्टैचू की कीमत मिलियंस में है। ये सब सुनकर एरियल और पॉल वहाँ से जाने लगते हैं और रिचर्ड एरियल से सावधान रहने के लिए कहता है, जिसके बाद में पॉल एरियल को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। एरियल अंदर जाने से पहले लेटर बॉक्स में सारे लेटर्स निकालती है जिसमें एक पार्सल सारा का भी था और जब वो उसे अंदर जाकर खोलती है तो उसमें से वेनेकट की डायरी निकलती है। वो उसे पढ़ने वाली होती है कि तभी डोरबेल बज जाती है और उसे लगता है कि शायद बाहर पॉल होगा। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके हाथ से वो डायरी नीचे गिर जाती है और एक आर्ट डीलर डेस्मंड और उसके आदमी घर के अंदर घुस आते हैं और उन्होंने पॉल को पकड़ के रखा हुआ था और अब उनके हाथ में वो डायरी लग गई थी। साथ ही डेस्मंड एरियल को बताता है कि सारा को उसी ने मारा है और अगर सारा उसे इस डायरी के बारे में बता देती तो शायद आज वो जिंदा होती। इसे सुनकर एरियल को गुस्सा आता है और वो डेस्मंड को मारने लगती है। डेस्मंड कहता है कि सारा ने तो स्टैचू को ढूंढने में हमारी मदद नहीं की, लेकिन अब ये काम तुम्हें करना होगा वरना तुम भी मारी जाओगे, और इतना कहकर वो सारा और पॉल को अपने साथ में ले जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर रिचर्ड मिशेल और काइली के साथ में उस स्टैचू को ढूंढने के लिए वेनेकट इंस्टीट्यूट यानी कि हिल हाउस पहुंच जाते हैं। घर के अंदर की चीज़ें देखकर काइली रिचर्ड से पूछता है कि मिडिवल पीरियड का आर्टिफैक्ट वेनेकट के पास में कैसे है, जिस पर रिचर्ड उसे बताता है कि वेनेकट एक आर्ट कलेक्टर था जिसे पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने का बहुत ही शौक था। तभी डेस्मंड भी सभी लोगों के साथ में हिल हाउस के बाहर पहुंच जाता है और एरियल डेस्मंड से कहती है कि मैं ऐसे इंसान की मदद क्यों करूं जिसने मेरी बहन को मारा है, और उस पर डेस्मंड कहता है कि अगर तुम हमारे साथ में अंदर नहीं गई तो हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी मार डालेंगे। ये सुनकर एरियल उनके साथ में अंदर चली जाती है और पॉल को डेस्मंड के एक आदमी सैमुअल के साथ में गाड़ी में छोड़ दिया जाता है। अंदर जाने पर इन लोगों को डॉक्टर रिचर्ड काइली और मिशेल मिलते हैं और डेस्मंड उन्हें वो डायरी दिखाता है। डेस्मंड रिचर्ड का एक पुराना स्टूडेंट था तो इसलिए वो उसे जानते थे। वो बेफोमेट स्टैचू को एक प्राइवेट कलेक्टर को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था और डॉक्टर रिचर्ड उस स्टैचू को म्यूजियम के अंदर रखवाना चाहते थे। रिचर्ड डेस्मंड से पूछता है कि उसे वेनेकट की डायरी के बारे में कैसे पता चला।
जिस पर उसे बताया जाता है कि एक्चुअल में मिशेल डेसमंड के साथ में मिली हुई थी, जो कि हर बात की खबर डेसमंड को दे रही थी। और यह सुनकर रिचर्ड को बुरा लगता है, क्योंकि रिचर्ड मिशेल को पसंद करता था। अब इन सभी के बीच से एरियल चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। तभी कुछ आवाज़ आती है, जिस पर एरियल बताती है कि वेनेकट ने असाइलम में ऐसा मैकेनिज्म इंस्टॉल किया था जिससे कि 12 घंटों के लिए पूरा असाइलम लॉक हो जाएगा, और ये उसने इसलिए किया था ताकि यहाँ से कोई भी पेशेंट नहीं भाग सके। पार्टी वाली रात भी यही हुआ था, जब सारे गेस्ट यहीं पर फंस गए थे और वे लोग मारे गए थे। अब इसके बाद में सभी लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये मैकेनिज्म लगाया गया था, जिसे ये लोग शूट करके ख़राब कर देते हैं। डेसमंड के पास उस जगह का एक मैप था, जिसे समझना डेसमंड के लिए बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर रिचर्ड डेसमंड से कहता है कि उस मैप को वो उन्हें देखने दें, जिस पर डेसमंड उसके चेहरे पर एक पंच मारता है। फिर डेसमंड कहता है कि जहाँ तक उसे पता है, वेनेकट ने उस स्टैचू को बेसमेंट के किसी सीक्रेट चैम्बर में छुपा रखा है, तो इसलिए हम सब अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। उसके बाद में सभी अलग अलग हो जाते हैं। काइली के साथ में नॉरिस भी होता है, जो कि एक UFC हैवीवेट चैंपियन था, जिसे काइली पहचान जाता है। और इन सभी के पीछे हम एक नर्स के घोस्ट को देख पाते हैं। जैक्सन को एक जगह पर कुछ क्लू मिलता है और वो दीवार में छेद करके उसके अंदर देखने की कोशिश करता है, पर तभी दीवार के अंदर से एक हाथ आता है और जैक्सन के पेट में घुस जाता है। इस दीवार के अंदर डॉक्टर वेनेकट ने एक पेशेंट को जिंदा दफनाया था, और वह हाथ ब्रूटली जैक्सन के इंटेस्टाइन को निकाल देता है और उसे दीवार के अंदर खींच लेता है। इधर हारवे को एक रूम में दो खूबसूरत लड़के नजर आती है, जो उसके पास आकर अपने कपड़े उतारती है और फिर हारवे को किस करने लगती है, और उन्हें डॉक्टर वेनेकट ने बुरी तरीके से टॉर्चर करके इस रूम में मारा था। अचानक से उन लड़कियों की शक्ल और जिस्म बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है, जिससे डरकर हारवे बाहर भागती है, जहाँ पर वेनेकट उसका सामने आ जाता है और उसके फेस को काट देता है, जिससे कि उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। तभी हारवे की गन से गोली भी चल जाती है। डेसमंड को गनशॉट की आवाज़ आती है और वो अपने साथियों को कॉन्टैक्ट करके एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहता है, पर तभी कोई स्पिरिट एरियल को एक रूम में खींच लेती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वहाँ पर एक पेशेंट की स्पिरिट उसे दिखाई देती है कि कैसे वेनेकट उन लोगों को टॉर्चर करके मार दिया करता था, जिसके बाद में उन्होंने वेनेकट को पकड़ लिया और उसे भी उस तरीके से टॉर्चर किया गया जिस तरीके से वह पेशेंट को टॉर्चर करता था। अब होश में आने पर एरियल पेशेंट गाउन में बंदी होती है और ज़ोर ज़ोर से चीखती है। डेसमंड और रिचर्ड के आने पर वो उन्हें बताती है कि मेरी बहन ने इस जगह के बारे में सच कहा था कि यहाँ पर घोस्ट है। मैंने एक पेशेंट को देखा है जो कि आग लगने वाली रात यहाँ पर असाइलम में था, और शायद वह वेनेकट की हरकतों पर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। बाहर कार में सैमुअल को डेसमंड का कॉल आता है, जो उसे तुरंत अंदर आने के लिए कहता है, और सैमुअल और पॉल अंदर आ जाते हैं। इधर नॉरिस और काइली मेन एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर सामने रखे काउच के चादर में उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। जब नॉरिस उस चादर को हटाता है तो वहां पर कुछ नहीं था। फिर तभी कई सारी स्पिरिट्स नॉरिस के हाथों और पैरों को चादर से बांधकर ऊपर हवा में उठा देती है और उसे चारों तरफ से खींचने लगती है। ये देखकर काइली उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट्स काइली को दूर फेंक देती है। नॉरिस के हाथ पैर उखड़ने लगते हैं और उसके जिस्म के चिथड़ चिथड़ उड़ जाते हैं। ये देखकर काइली डर के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उसे सुनकर सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नीचे ज़मीन पर खून पड़ा होने की वजह से रिचर्ड का पेड़ फिसल जाता है और वो गिर जाता है। फिर अचानक उस लॉक मैकेनिज्म के दोबारा चलने की आवाज़ आती है और वहाँ से निकलने के सभी रास्ते बंद होने लगते हैं। एरियल जल्दी से भाग कर वहाँ से बाहर निकलने लगती है और डेसमंड एरियल के ऊपर शूट करता है, लेकिन एरियल बचकर बाहर निकल आती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब तक घर के अंदर सैमुअल और पॉल भी पहुँच जाते हैं। सैमुअल को देखकर डेसमंड पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए और मैंने तुम्हें कार में रहने के लिए कहा था। दरअसल सैमुअल को जो कॉल आया था वो डेसमंड ने नहीं, बल्कि वो सैमुअल को अंदर लाने के लिए एक ट्रैप था। बाहर जब एरियल सैमुअल को गाड़ी में नहीं दिखती है तो परेशान हो जाती है। तभी दरवाज़ा फिर से खुलता है और एरियल गाड़ी में से गन लेकर वापस अंदर आ जाती है। वो पॉल को सही सलामत देखकर खुश होती है और उसे हक करती है। वो डेसमंड के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे ये घर ही वापस अंदर लेकर आया है, और सैमुअल को भी, जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं वे लोग हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। डेसमंड को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो कहता है कि उसका साथी उस बेफॉर्मेंट स्टैचू के लिए उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि वो उसे अकेले हासिल कर पाए, जिस पर एरियल का ऐसा कहना था कि वे सब तो कब के मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ हम सैमुअल को देखते हैं, जो कि किसी का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां पर एक नर्स की स्पिरिट उसे व्हीलचेयर पर बैठा कर कहीं पर ले जाती है। इधर सभी के फ़ोन पर एक साथ कॉल आता है और जब वो फ़ोन उठाते हैं तो उन्हें सैमुअल के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। नर्स और वेनेकट सैमुअल को सर्जरी टेबल पर लेटाते हैं और फिर वेनेकट उसके सर में कट लगाकर उसके दिमाग को बाहर निकाल लेता है। इस तरफ सभी लोग एक दूसरे पर गन पॉइंट करके लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी मौके का फ़ायदा उठाकर काइली रिचर्ड मिशेल डेसमंड के हाथ से गन छीनकर उन्हें एक जगह पर बांध देते हैं, जिसके बाद में वो तीनों मैप देखने लगते हैं और फिर असाइलम के सीवर और ड्रेनेज के थ्रू वे लोग बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। रिचर्ड बताता है कि उस डायरी के अनुसार बेसमेंट में क्रीमेशन ग्राउंड है, जहाँ पर वेनेकट उस समय के पेशेंट्स को दफनाया करता था, और वहीं पर वो स्टैचू भी है, जिस पर एरियल कहती है कि तुम लोग अगर किसी फालतू चीज़ के पीछे यहीं पर रहकर अपनी जान गंवाना चाहते हो तो मैं और पॉल यहाँ से अकेले जा रहे हैं। लेकिन डेसमंड का ऐसा मानना था कि रिचर्ड इस अपॉर्चुनिटी को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि बात बेफॉर्मेट के स्टैचू की है। लेकिन डॉक्टर एरियल से कहते हैं कि
कि हम लोग भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। अब सभी लोग उस मैप के थ्रू आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते रिचर्ड बताता है कि वेनेकट एक काबिल डॉक्टर हुआ करता था और उसके काम के लिए उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था, लेकिन जब से उसने उस स्टैचू को अपने कलेक्शन में रखा तब से वो लोगों की जान बचाने के बजाय उल्टा उन लोगों की जान लेने लगा। चर्च का ऐसा मानना था कि वो उस एविल स्टैचू के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब बुरे काम करने लगा था। फिर अब ये सभी लोग हाइड्रोथेरेपी पुल तक पहुँचते हैं और उन्हें पानी में से कुछ आवाज़ आने लगती है और मौके का फ़ायदा उठाकर डेसमंड उन पर अटैक करके उनकी गन छीन लेता है और काइली को पंच करके पानी में गिरा देता है। एरियल उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और तब तक डेसमंड और मिशेल वहाँ से भाग जाते हैं। एरियल और काइली को पानी में डेड बॉडीज दिखाई देती है जो कि अचानक से उठकर उनकी तरफ आने लगती है, जिसके बाद में एक लड़की का घोस्ट एरियल को दिखाई देता है और उसे उस समय का फ्लैश भी दिखाई देता है कि किस तरीके से वेनेकट उन्हें पानी में डालकर मरने के लिए छोड़ देता था, जिससे कि उनकी मौत हो जाती थी। काइली एरियल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोस्ट काइली को खींचकर गहरे पानी में ले जाती है। एरियल उसे बचा नहीं पाती है और फिर पॉल और रिचर्ड की मदद से वो ऊपर पहुंचती है। दूसरी तरफ डेसमंड और मिशेल में लड़ाई होने लगती है और उसे लगता है कि मिशेल उस स्टैचू के लिए रिचर्ड के साथ में मिली हुई है, तो इसीलिए वो मिशेल को मारने की कोशिश करता है और मिशेल अपनी जान बचाने के लिए किचन में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर किचन की सभी चीज़ें अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है और फिर वो एक एक करके मिशेल के ऊपर भी गिरती है। वेनेकट एक फ्रिज को मिशेल के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि उसका सर वहीं पर क्रश हो जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर तीनों को सीवर मिल जाता है, लेकिन वो बंद था। एरियल को विजन आता है जिसमें उसे उस पेशेंट की स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसे दिखाता है कि स्टैचू क्रेमेशन ग्राउंड में है और वो कहता है कि उसे डिस्ट्रॉय कर दो। होश में आने पर एरियल बताती है कि यहाँ की स्पिरिट को मुक्ति चाहिए, लेकिन डेमन विफामेट ऐसा नहीं होने देना चाहता है। इसीलिए स्पिरिट ये चाहती है कि हम उस स्टैचू को बर्बाद कर दें। वेनेकट भी डेमन का पपेट है और वो स्टैचू इस जगह का हार्ट है, जिसे तबाह करके इन सभी स्पिरिट को बेफोमेट डेमन से मुक्ति दिलाई जा सकती है। अब ये तीनों एक फर्नेंस से होते हुए एक टनल में पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें हार्ट ऑफ द हाउस यानी कि वो स्टैचू मिल जाती है, जो कि जिंदा इंसानों के मांस से बना हुआ था। स्टैचू को देखकर रिचर्ड उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिसे पॉल और एरियल होश में लाते हैं। एरियल स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे कई बार शूट करती है, लेकिन उस पर एक भी स्क्रैच नहीं आता है, जिसके बाद में एरियल को आइडिया आता है कि उन्हें इस स्टैचू को सीवर में बहा देना चाहिए, जिससे कि घर का पोजेशन खत्म हो जाएगा। फिर पॉल और एरियल उस स्टैचू को उठाकर ऊपर की तरफ भागते हैं और पीछे हमें वेनेकट नजर आता है। ऊपर डेसमंड होता है, जो इनकी तरफ गन पॉइंट करके इन सभी को उसे स्टैचू देने को कहता है, लेकिन फर्नेंस में से घोस्ट निकलकर डेसमंड को अंदर खींच लेते हैं, जिन्हें वेनेकट ने जिंदा फर्नेंस में डालकर जलाया था। तभी उस फर्नेंस में आग लग जाती है और डेसमंड मारा जाता है और अचानक से वहाँ पर और भी ज़्यादा घोस्ट आ जाते हैं और पॉल उनमें फंस जाता है। अब वो एरियल से उस स्टैचू को ले जाने के लिए कहता है। एरियल और रिचर्ड स्टैचू को लेकर सीवर के पास में पहुंच जाते हैं। एरियल उस स्टैचू को गटर में बहाने वाली थी कि तभी रिचर्ड उस स्टैचू से पजस हो जाता है और वो एरियल को धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि ये स्टैचू मेरा है, मैंने इसके मिलने का 20 साल से इंतजार किया है। फिर वो एरियल का गला दबाकर उसे मारने लगता है और तब शॉवर से ब्लड आने लगता है और दोनों में लड़ाई होती है। पॉल भी भागते हुए दोबारा हार्ट में पहुंच जाता है और रिचर्ड एरियल को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वेनेकट के साथ में बहुत सारी बुरी स्पिरिट्स आ जाती है। रिचर्ड होश में आता है और एरियल भागकर स्टैचू को उठा लेती है, लेकिन वेनेकट वहाँ पर आ जाता है और एरियल को मारने लगता है। रिचर्ड वेनेकट को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड वेनेकट के आर पार हो जाता है और वेनेकट रिचर्ड को गले से पकड़कर दीवार पर ठोकने लगता है और उसे हवा में फेंक देता है, जिससे कि रिचर्ड मारा जाता है। अब पॉल को हार्म करने के लिए नर्स की स्पिरिट उसके पास में आती है और तभी एरियल उस स्टैचू को गटर में फेंक देती है। फिर उन लोगों की स्पिरिट गायब होने लगती है जो कि वेनेकट के लिए काम किया करते थे और उन पेशेंट की स्पिरिट वेनेकट को ख़त्म कर देती है, जिन स्पिरिट को वेनेकट ने मारा था, और इसी के साथ ही हिल हाउस के सारे लॉक्स खुल जाते हैं। फिर पॉल और एरियल एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस घर से बाहर निकलते हैं। सीन कट होता है और मूवी के एंड में हम एक बीच पर एक कपल को देखते हैं, जिन्हें रेत के बीच दबा हुआ वही बेफोमेंट का स्टैचू मिलता है, जिसे वे लोग निकालते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हिल हाउस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में हमने देखा कि किस तरीके से एक बेफोमेंट यानी कि डेविल के स्टैचू की वजह से वेनेकट नाम का एक डॉक्टर उसे इतना ज़्यादा पजेस हो गया कि वो अपने पेशेंट और अपने स्टाफ को मारने लगा था। एरियल की बहन को वेनेकट की डायरी मिल गई थी जिसमें बेफोमेंट के स्टैचू की लोकेशन थी। उस स्टैचू की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कीमत थी, तो इसलिए उसके पीछे कई लोग पड़ गए थे और इसी के चलते सभी लोगों की जाने गई। दरअसल बेफोमेट एक डेमन है और सैटेनिक लोग उसकी पूजा करते थे, तो इसलिए वो स्टैचू उनके लिए बेशकीमती थी।